नागपुर शहर को जलापूर्ति करने वाली पेंच की पाइपलाइन में 4 जगहों पर लीकेज की मरम्मत के लिए लगभग 1 माह इस पाइपलाइन में ईरगाव कारगाव लगेगा। इसलिए नागपुर शहर में 6 जनवरी से महीने भर तक एक दिन के लिए लीकेज के कारण 4 से 5 MLD अंतराल पर जलापूर्ति की जाएगी। मनपा के 10 जोन में से लक्ष्मी नगर जोन, धर्मपेट जोन, हनुमान नगर जोन, धंतोली जोन, गांधीबाग जोन, आसीनगर जोन, मंगलवारी जोन पूर्णतः, जबकि सतरंजीपुरा जोन की कुछ से यानी लगभग 65% शहर को जलापूर्ति प्रभावित होगी। जल प्रदाय समिति के सभापति पिंटू झलके ने कहा कि पेंच की मुख्य पाइपलाइन 27 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन में ईरगाव कारगाव के पास 4 जगह बड़े लीकेज हुए हैं। लीकेज के कारण 4 से 5 MLD पानी बह रहा है। लीकेज बंद नहीं किया गया तो ग्रीष्मकाल में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए मरम्मत कार्य करना जरूरी है। इसलिए पेंच 1, 2, 3, 4 से शहर को होने वाली जलापूर्ति महीने भर तक के एक दिन के अंतराल पर की जाएगी। देखभाल मरम्मत की जिम्मेदारी OCW कंपनी की है। कंपनी ने प्राथमिक स्वरूप में काम की शुरुआत की है। नागपूर शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या पेंचवरून जी लाईन येतं ती 2300 MM च्या पाईपलाईनला इटगाव व करंबाड या 2 गावाच्या दरम्यान 4 मोठे लिकेजेस आढळून आले। काल त्या दृष्टीने प्रशासनाने जशी माहिती दिली तसा मी तात्काळ दौरा सर्व प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांसोबत केला आणि तिथे स्पॉटवर व्हिजिट केल्यानंतर असं लक्षात आलं की हे फार मोठं लिकेज आहे आणि हे लिकेज तात्काळ दुरुस्त करणं अनिवार्य आहे। हे लीकेज जर आज आपण दुरुस्त केलं नाही तर येत्या उन्हाळ्यात आपल्याला त्याचा मोठा फटका बसू शकतो। नागपूर शहरातील साधारणतः 65% भाग जो पेंचवर डिपेंडंट आहे त्या सर्व भागातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास होण्याची संभावना लक्षात घेता आज हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये हे पाईपलाईन दुरुस्तीचं काम हाती घेणं अनिवार्य आहे असा आमच्या सर्वांशी चर्चा केल्यानंतर निर्णय झाला आणि हे मोठं लीकेज 2300 MM च्या पाईपलाईनला जे लीकेज आहे हे दुरुस्त करण्याकरिता साधारणतः 1 महिन्याचा कालावधी लागेल, पण त्यात लवकरात लवकर करण्याकरिता आम्ही सर्वजण प्रयत्नरत आहोत।